हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर दो प्याज़ा। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर, दो बड़े प्याज कटे हुए, दो बड़े प्याज, 4-5 कलियाँ लहसुन और 1 इंच अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च कटी हुई, 4 टमाटर का पेस्ट, कुकिंग ऑयल, बटर, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच लाल देगी मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच जीरा, 2-3 लौंग, 3-4 काली मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची। पनीर को क्यूब्स में काट लें और प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लें और टमाटर का भी पेस्ट रेडी करें। और 2 बड़े प्याज ऑनियन बल्ब्स के रूप में काट लें। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालें और प्याज को सौते करें। प्याज को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे केवल सौते ही करना है। प्याज को प्लेट में निकाल लें और हरी मिर्च को सौते करें। हरी मिर्च भी निकाल लें। अब कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालें, सूखे मसाले डालें, प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे कंटिन्यू चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। ये देखिए, प्याज का कलर चेंज होने लगा है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर डालें, लाल देगी मिर्च डालें, हल्दी डालें और स्वादानुसार नमक डालें और अच्छे से मिक्स करें।
मसाले हमारे भुन गए हैं, अब इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स करते जाएं। इस मसाले को हमें तब तक पकाना है जब तक घी मसाले से अलग ना हो जाए। गैस की फ्लेम को हाई रखें और मसाले को भूनते जाएं। ये देखिए घी हमारा मसाले से अलग होने लगा है। कसूरी मेथी डालें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कसूरी मेथी को बढ़ा भी सकते हैं और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दें। सब्जी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें। ये मैंने 1.5 कटोरी पानी ऐड किया है। अब इसमें बॉईल आने दें। और 2-3 मिनट के लिए इसे ढक कर रख दें। गैस की फ्लेम को लो कर लें। ये देखिए मसाला हमारा पक चुका है। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। प्याज डालें और हरी मिर्च डालें। इन्हें अच्छे से मिक्स करें। एक दो मिनट के लिए प्याज को सिम गैस पर पकाएं। और अब इसमें पनीर ऐड कर दें। बारीक कटा हुआ धनिया डालें। गरम मसाला डालें और हल्के हाथों से इसे मिक्स करते जाएं। दो तीन मिनट तक पनीर को प्यूरी में पकने दें। और अब इसमें बटर ऐड करें। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बटर या कम ज़्यादा कर सकते हैं। बटर को मेल्ट होने दें। टेस्टी टेस्टी हमारी पनीर दो प्याजा रेडी है।
आप भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। आप हमारी ये वीडियोज़ भी देख सकते हैं।